हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो देख लेते हैं कल का मार्केट हमारा कैसा रहा ओवरऑल। तो कल मार्केट एक ग्रीन कैंडल के साथ ओपनिंग होती है ना, थोड़ा सा गैप अप इसको बोल सकते हैं, गैप अप नहीं फ्लैट ही बोलेंगे हम लोग। और जस्ट ओपन होने के बाद जस्ट ये ऊपर चल मतलब कंटिन्यू बढ़ती है। ऊपर जाने के बाद हमारा जो लेवल था 43,136, ये लेवल के बाद हमने कॉल का पोजिशन बनाने बोला था कि इस लेवल को जब भी ब्रेक करें हम लोग कॉल का पोजीशन लेंगे। और इसे ब्रेक करने के बाद देखिए यहाँ थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, फिर इस हमारा लेवल को 43,223 को ये हिट किया। नेक्स्ट लेवल था 43,300, लेकिन 43,300 के आसपास नहीं गई मार्केट, 43,280 के आसपास ही रिटर्न आ गई। तो ज़रूरी नहीं कि हमारा जितना भी एनालिसिस है वो 100% ही वर्क करे, तो 10-20 पॉइंट कोई मायने नहीं रखता है। फिर जस्ट वहीं से रिजेक्शन लेके मार्केट हमारे ही लेवल पे आ जाती है 43,136 के आसपास। और फिर यहीं काफ़ी देर कंसोलिडेट करने के बाद, ये देखिए एक बॉक्स पैटर्न यहाँ बनाया है, काफ़ी देर कंसोलिडेट करने के बाद फिर इसे ब्रेक करने के बाद डायरेक्ट आ जाती है 43,056 के पास पास, जहाँ हमने एक पुट के लिए पोजीशन के लिए बताया था कि इसके नीचे अगर जाता है तो पुट का पोजीशन लेना है, और यहीं मार्केट ओवरऑल क्लोज हो जाती है। तो अब देख लेते हैं कि मार्केट कल कैसा काम कर सकता है, कल का सीन क्या हो सकता है। तो आइए देखते हैं, सॉरी कल नहीं, आज का दिन मैं देख लेता हूँ कैसे क्या काम कर सकता है। तो अगर फ्लैट ओपनिंग होती है और फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर हम लोग देखेंगे इसे कॉल के साइड में, तो 43,111 के अबव निकलती है। 43,111 के अबव जब भी मार्केट अप साइड के लिए निकलती है तो हम लोग कॉल के साइड में बैठेंगे। पहला हमारा जो टारगेट है 43,136, ये तो मतलब पहला पुराने दिन का ही लेवल है, लेकिन इसे हम काउंट नहीं करेंगे। और नेक्स्ट जो हमारा लेवल निकल के आ रहा है, नेक्स्ट लेवल हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट लेवल हमारा ये है 43,193, ठीक ना, 43,193। उसके बाद हमारा ऑल टाइम हाई जो है 43,285, ठीक ना, 43,280-85 ये वाला लेवल कॉल के साइड में हम लोग यही देखेंगे सीन, ठीक ना। और उसके बाद अप साइड के लिए लेवल ये 43,300, इसको हम लोग डिलीट कर देंगे। और फिर उसके बाद 43,354 है, और फिर इधर से 43,478। ये कॉल का साइड का हम लोग सीन बताएं अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो। वैसे आज संभावना है कि मार्केट साइडवाइज ही रहे। अब देखते हैं पुट साइड, पुट साइड के लिए क्या सीन हो सकता है। पुट हम लोग तभी लेंगे जब 43,000 के नीचे मार्केट जाएगी। देख रहे ये रेंज, इसके नीचे मार्केट अगर जाए तो हम पुट साइड के लिए रेडी हो जाएंगे। और हमारा पहला, देखिए मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ ताकि परेशानी ना हो, ये 43,000 के नीचे जब भी मार्केट जाए तो हम लोग पुट साइड में रेडी हो जाएंगे, ठीक ना। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेवल निकल के आता है वो 42,932, 42,932 ऑलरेडी ड्रॉ है, 42,872 फिर नेक्स्ट लेवल है। फिर उसके बाद हमारा जो लेवल 872 के बाद निकल के जो आ रहा है वो हमारा नेक्स्ट है 42,739, ठीक ना, ये 42,739 पुट के साइड में है। तो ये हमारा कॉल और पुट दोनों साइड का हमने सिनेरियो बता दिया। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग हो जाती है, गैप अप इन द सेंस कि अगर 43,111 के अबव निकल जाती है तो हम लोग 43,193 के ऊपर निकलने का वेट करेंगे। जब वो निकल जाए तो वहाँ से हम लोग कॉल के साइड में बैठ सकते हैं, या तो फिर यहीं से एक रिजेक्शन का हम लोग सीन देख सकते हैं और उस रिजेक्शन में ट्रेंड को देखेंगे कि ट्रेंड क्या है, उसके बाद हम लोग ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होती है, गैप डाउन करने में, तो 42,943,000 के नीचे अगर हो जाती है तो हम लोग कैंडल को देखेंगे कि वो बुलिश है या बेयरिश है, किस टाइप का कैंडल है, उस कैंडल का लोअर हाई को ड्रॉ करेंगे और फिर उस तरीके से हम लोग ट्रेड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारे इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प हो रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।